नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में। मैं हूँ रूही और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य खबरों पर। विधायक बन्ना गुप्ता पहुँचे जनता के द्वार। कदमा रामनगर में विधायक ने लोगों की समस्याएं सुनी एवं निवारण का दिया आश्वासन। पटमदा में हथियारों ने निर्संसता की हदें पार की। वृद्ध दंपति की डंडों से पीट पीट कर हत्या। और XLRI और कोऑपरेटिव कॉलेज के बीच सड़क विवाद और गरमाया। छात्र संघ ने सभी कॉलेजों को बंद करने का किया ऐलान। अब खबरें विस्तार से। विधायक बन्ना गुप्ता सोमवार को कदमा रामनगर में जनता से मुखातिब हुए एवं उनकी समस्याओं को सुना और शीघ्र निवारण का आश्वासन दिया। विधायक बन्ना गुप्ता ने सोमवार को कदमा रामनगर में लोगों की समस्याओं को सुना एवं निवारण का आश्वासन दिया। इसके अलावा उन्होंने कई योजनाओं का खुलासा भी किया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में विवाह मंडप और सुलभ शौचालय का निर्माण किया जाएगा, साथ ही वहां खाली पड़ी जमीन पर थीम पार्क निर्माण की योजना बताई। और कहीं पर रोड और नाला। एक तो यहाँ पार्क बनाने का समस्या है, एक पार्क बनाना है जो यहाँ के लोगों के लिए बहुत नितांत जरूरत है। यहाँ के लोगों को घूमने के लिए, बैठने के लिए एक पार्क की आवश्यकता है, उसके लिए हम आए हैं। दूसरा, इस बस्ती में कहीं कहीं नली की समस्या है, कहीं रोड की समस्या है, कहीं बिजली की समस्या है, तो उसको भी हम देखने आए हैं। तीसरा, मेरिन ड्राइव में जो गरीब लोग बसे हुए हैं और उनको विस्थापित करने की योजना चल रही है मेरिन ड्राइव बनने के नाम पर। हम भी चाहते हैं मेरिन ड्राइव बने। हम मेरिन ड्राइव के विरोधी नहीं हैं, लेकिन गरीब को उजाड़ कर, उसको बेघर करके, उसको बर्बाद करके और रोड पर लाकर हम मेरिन ड्राइव बनने नहीं देंगे। पहले गरीब को बसाने के लिए टाटा कंपनी कुछ वैकल्पिक व्यवस्था सोचे। और हमने डीसी साहब को भी कहा है कि डीसी साहब, तोड़ देना बड़ा आसान है, जोड़ देना बड़ा कठिन है। गरीब किस खून पसीने का पैसा को तिल तिल करके, बड़े लोग के लिए ईंटा, एक ट्रक ईंटा का कोई महत्व नहीं है, लेकिन गरीब एक ट्रक ईंटा जुटाने के लिए उसका जान जो है खून पसीना चुआ जाता है और उसके घर को तोड़ दिया जाता है और उसको रहने का जगह नहीं है। और जब तक हम विधायक हैं ये होने नहीं देंगे, क्योंकि कई बार प्रशासन ने लोगों को गफलत में रखा और रख कर मीठी मीठी बात करके गरीबों को बेघर कर दिया। इस बार वो सब होने नहीं देंगे, तो उसके लिए भी जब तक वैकल्पिक व्यवस्था नहीं करते हैं तब तक हम लोग उस पर हाथ नहीं लगाने देंगे, चाहे उसके लिए रिजल्ट जो भी हो। एक विवाह मंडप पर बात कर रहे थे, विवाह मंडप की आवश्यकता है और हम लोग विवाह मंडप बनाने पर भी विचार रख रहे हैं और एक शौचालय की जरूरत है यहाँ। क्या विवाह मंडप कैसा होगा? क्या विवाह मंडप? देखिये, विवाह मंडप जो बनाना है व्यावसायिक रूप से, यदि आप देखिएगा तो बड़े बड़े मॉल बन रहे हैं, बड़े बड़े अमीरों के लिए मॉल है, बड़ा बड़ा क्लब है, लेकिन गरीब की बेटी की शादी में टेंट हाउस और ये सब का बहुत खर्चा है। हमारी जो सोच है विवाह मंडप बनाने की, उस सोच में गरीब की बेटी को एक रुपया भी नहीं लगे और गरीब की बेटी का शादी हो, उसका घर का जो है, जो अन्य हमारा हिंदू धर्म के हिसाब से जो भी कर्म कांड होते हैं वो हो सकें, तो उन चीज़ों को करने के लिए जो अभी जितने सरकारी भवन हैं वो भवन व्यावसायिक रूप से हो गए हैं, जबकि हमारी ये सोच है कि वो भवन व्यावसायिक नहीं होने चाहिए, वो भवन फ्री ऑफ कॉस्ट होने चाहिए। तो अब उसके लिए भी हम इस पर विचार कर रहे हैं कि कैसे करके हम लोग उस सुविधा प्रदान करेंगे, लेकिन उस पर थोड़ा सा समय है। कदमावासियों को कब तक नया पार्क मिल जाएगा? मुझे लगता है कि 3-4 महीना में हम लोग इस जगह को, अभी आप फोटो खींच लीजिए, फोटो खींच के देख लीजिए क्या पोजीशन है, और 4 महीना बाद आइएगा तो शायद इसकी तस्वीर बदली हुई दिखेगी। दूसरी खबर है, जहां पटमदा में बीती रात अज्ञात लोगों ने निर्संसता की हदें पार करते हुए वृद्ध दंपति की पत्थर व डंडों से मार मार कर हत्या कर दी। घटना पटमदा थाना अंतर्गत गोबर गोसी गाँव की है।
बीती रात कुछ अज्ञात लोगों ने घर में घुसकर वृद्ध दंपति की डंडे से पीटकर एवं पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जा रहा है कि मामला जमीन विवाद का है। पुलिस अभी छापामारी कर रही है। किसको किसको मारा है? वाइफ हस्बैंड दोनों हैं। कितना उम्र होगा लगभग? वही 80-85 उम्र होगा। क्या चीज से मारा है कुछ पता चल पाया? पत्थर उसे कुचल दिया। जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज और एक्सएलआरआई प्रबंधन के बीच सड़क विवाद बढ़ता ही जा रहा है। सोमवार को सभी छात्र संघ एकजुट हुए और कॉलेज में अनिश्चित काल के लिए ताला जड़ दिया। जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज और एक्सएलआरआई के बीच चला आ रहा सड़क विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। दोनों ही पक्ष अड़े हुए हैं। सोमवार को कई छात्र संघ एकजुट हुए और पहले अपनी अगली रणनीति पर चर्चा की, फिर उन्होंने कोऑपरेटिव कॉलेज के गेट पर ताला जड़ दिया। उनका नेतृत्व सोनू ठाकुर कर रहे थे। उनका कहना है कि कॉलेज अनिश्चितकालीन के लिए बंद रहेगा। और छात्र संघ के प्रतिनिधियों ने सोमवार को उपायुक्त को ज्ञापन सौंप कर एक्सएलआरआई के साथ सड़क विवाद पर हस्तक्षेप की मांग की। कोऑपरेटिव कॉलेज बचाओ संघर्ष समिति ने सोमवार को उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंप कर मामले में शीघ्र हस्तक्षेप का अनुरोध किया। उनका नेतृत्व कर रहे सोनू ठाकुर ने कहा कि सभी कॉलेजों में मंगलवार से तालाबंदी होगी। आज कोऑपरेटिव कॉलेज बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले पूरे कोऑपरेटिव कॉलेज में जो भी कॉलेज है सबको हमने बंद किया। और आज डीसी से हमने अनुरोध किया कि हमने 6 तारीख को डीसी को एक्सएलआरआई के खिलाफ एक ज्ञापन दिया था। उसके बाद काम डीसी साहब ने एसडीओ और सीओ को नियुक्त किया। उसके बावजूद भी जिला प्रशासन के आदेशानुसार भी एक्सएलआरआई ने काम किया, गड्ढा किया वहाँ और रास्ता को बंद करने का काम किया। डीसी प्रशासन ने दोनों प्रशासन को बुलाई, एक्सएलआरआई मैनेजमेंट और कोऑपरेटिव कॉलेज दोनों मैनेजमेंट को बुलाई वहाँ पास, और दोनों को पक्ष को, और बस एक दिन का होने के बाद, दो दिन के बाद ये फैसला हुआ। अभी 4 दिन पहले और 2 दिन के बाद वो चोरी छुपे रात को 6 बजे शनिवार के रात को, कि रविवार छुट्टी रहता है कोऑपरेटिव कॉलेज, और छठ के दिन भी जो उधर वाला गेट गिराया वो भी छठ के दिन गिराया। ये मैंने क्या दर्शाना चाहता है एक्सएलआरआई कि मतलब चोरी छिपे और रात के अंधेरे में और प्रशासन को बैठा के क्या करना चाहता है? हमने कहा कि आपका जमीन आप ले लीजिए, हमने कोई अपना घर का जमीन की लड़ाई थोड़ी जो है। उसमें 15,000-20,000 छात्र लगभग 15-20 साल से आ रहे हैं, उनका जमीन है, वो लोग आएंगे और इतना बड़ा कॉलेज है उनका एक ही एंट्रांस, और मान लीजिए कि उनका पुराना जो रास्ता हम लोग का था नक्शा में उनके एवज में वो रास्ता दिया। अब पुराने प्रचार ने क्या मौखिक समझौता किया, ये तो पुराने प्रचार, ये जांच का विषय है, इसमें सीबीआई जांच हो। भाटिया बस्ती स्थित एसडीप सिंह पथ में सोमवार को चंचला सोना नामक 40 वर्षीय महिला का शव रविदास नामक व्यक्ति के आवास से बरामद हुआ। शव बुरी तरह जली अवस्था में था। चंचला सोना नामक महिला अपने पहले पति की मौत के बाद एसडी सिंह पथ में रहने वाले रविदास नामक व्यक्ति के साथ रहती थी। सोमवार को उसका शव बुरी तरह जली अवस्था में पुलिस ने बरामद किया। पुलिस ने रविदास को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया है। कदमा थाना प्रभारी राजू ने कहा कि पूछताछ के बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचा जा सकता है। भाग रहा था सर, भाग रहा था, हम पकड़ के जाइए, हम नहीं रुक रहे। एक महिला थी, लगभग 40 वर्ष की थी, करीब 2-3 महीना से अपने परिवार बाल बच्चों से अलग हट करके एक वृद्ध था रवि करके, जो झाड़ू उड़ू देता है आसपास के दुकान में, उसके साथ रहना शुरू कर भी झाड़ू उड़ू देती थी। लेकिन आज एकाएक जानकारी मिली कि जिस कमरे में वह भाड़ा लेकर के रह रही थी उसमें उसका जला हुआ लाश है। फिर मालूम हुआ कि यह कृत्य उसी के द्वारा किया गया है, वह अरेस्ट हो चुका है और तफ्तीश की जा रही है। और अपने पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत मानगो नगर विकास समिति ने सोमवार को मानगो नोटिफाइड एरिया कार्यालय का घेराव व प्रदर्शन किया। विनोद सिंह के नेतृत्व में मानगो नगर विकास समिति के कार्यकर्ता व मानगो के निवासियों ने
सोमवार को मानगो नोटिफाइड एरिया कमेटी के कार्यालय में जमकर प्रदर्शन व घेराव किया। वे मानगो जलापूर्ति योजना में पुराने बिल माफ करने की मांग कर रहे थे। दूसरी ओर भारतीय जनता युवा मोर्चा ने सोमवार को मानगो चौक स्थित खुदीराम बोस की प्रतिमा का शुद्धिकरण किया। कल उनकी जयंती है। सोमवार को भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने विकास सिंह के नेतृत्व में मानगो चौक स्थित खुदीराम बोस की प्रतिमा का शुद्धिकरण किया। इस दरमियान दूध दही और गंगा जल से प्रतिमा को धोया गया। मंगलवार को खुदीराम बोस की जयंती है। 3 दिसंबर को इस देश के महानायक अमर शहीद खुदीराम बोस की जयंती है। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के लोगों का कर्तव्य ही नहीं दायित्व बनता है, इनके जयंती के पहले इनका प्रतिमा जो मानगो खुदीराम बोस चौक में अवस्थित है, इनको हम लोग शुद्धिकरण कर रहे हैं। आज हम लोग गंगा जल, दूध दही और शहद से इनको स्नान करवा रहे हैं कि कल इनकी जयंती हम लोग मना। और टाटा मुख्य अस्पताल में इलाजरत भागीरथ महतो की भारी भरकम फीस माफ करने की मांग को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सोमवार को उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंपा। टाटा मुख्य अस्पताल में इलाजरत भागीरथ महतो 28 नवंबर को पटमदा के पास एक सड़क दुर्घटना में बुरी तरह घायल हो गए थे। उनका इलाज TMH में चल रहा है। उनकी जान तो बच गई मगर अस्पताल की फीस 80,000 रुपए हो गई है। सोमवार को झामुमो नेता विमल बैठा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि भागीरथ महतो काफी गरीब है और वह इतने भारी भरकम फीस की अदायगी नहीं कर पाएगा। 28 तारीख को पटमदा में जो हाईवा से एक्सीडेंट हुआ जिसमें 2 आदमी की मृत्यु हो गई है, उसी में से एक आदमी भागीरथ महतो उनका नाम है, वो TMH में अभी एडमिट है, जो जिनको मतलब उनका पाँव भी कट गया है और वो काफ़ी सीरियस पोजिशन में है। अब ऐसा है कि अभी तक गाड़ी वाला जो मालिक है वो अभी तक पकड़ाया नहीं, जिसमें प्रशासन अभी तक पूरी तरह से उस पर हावी नहीं कर पाया है। ये भी मांग हम लोग प्रशासन के सामने रखे हैं कि जल्द से जल्द उनको पकड़ा जाए और उनको गिरफ्तार किया जाए और उसके बाद जो भी खर्चा जो मरीज को मिलना चाहिए उनका ट्रीटमेंट के लिए उसको दिया जाए। दूसरा कि अभी TMH का कहना ये है कि हमारा बिल 70,000 रुपये हो गया है, अगर परिजन लोग से शाम तक 50,000 रुपये की मांग किया गया है कि 50,000 अगर इन लोग नहीं जमा करते हैं तो हम लोग मरीज को बाहर कर देंगे। तो ये वाला मामला भी बहुत बड़ा मामला था जो मैंने DC साहब के पास में रखा है। DC साहब बोले कि हम इसमें हस्तक्षेप कर रहे हैं, हम आपको बता देंगे, हम जरूर कुछ ना कुछ हम इसमें कार्रवाई करेंगे। साथ ही दूसरी ओर विधायक मेनका सरदार ने सोमवार को घागीडीह जेल, रिमांड होम सहित कई अन्य स्थानों का निरीक्षण किया और सभी CDPO से घंटों वार्ता की। विधायक मेनका सरदार जो महिला बाल विकास योजना की चेयरमैन भी है, उन्होंने कहा कि घागीडीह जेल, रिमांड होम, कस्तूरबा गांधी विद्यालय आदि का निरीक्षण किया गया और कई खामियां पाई गई। वे स्थानीय परिसदन में पत्रकारों से बातचीत कर रही थी। वार्ता से पूर्व उन्होंने सभी CDPO के साथ मैराथन बैठक कर उनसे विचार विमर्श भी किया। वो तो ठीक है, वहाँ स्थिति ठीक है, साफ सफाई भी, कम्बल भी, सारे सुविधा लोग को मिल रहा, लेकिन ये चीज कमी है, मच्छर उन लोग शिकायत किया कि मच्छर यहाँ कटता है, मच्छर के कटने वाला कोई हम लोग का व्यवस्था नहीं है, ना मच्छरदानी दिया है, खाना पीना सभी हम लोग का ठीक है, शिक्षा भी हम लोग को मिल रहा है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरें और भी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद खबरों में फिर से आपका स्वागत है। सोनारी परदेसी पाड़ा में एक घर पर कब्जा को लेकर परिजन आपस में इतना उलझ चुके हैं कि मामला चार दीवारी से बाहर पुलिस तक पहुंच गया है। सोनारी परदेसी पाड़ा में सार्थिक चांद के आवास पर उसके ही पुत्रों द्वारा कब्जा जमा कर बहनों को बेदखल करने का प्रयास किया जा रहा है। सोमवार को ADC गणेश कुमार से गुहार लगाने पहुंची पूनम चांद ने कहा कि बार बार गुहार लगाने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मेरे भाई सब जो हैं, क्या नाम उनका? रमेश चांद और राजन चांद, जबरदस्ती मतलब हम लोग का घर हड़पना चाहते हैं, दूसरा मतलब बिल्डर ये सब के साथ मिल के जबरदस्ती हथियाना चाह रहे हैं। उन लोगों के लिए सिर्फ रहने दिए थे, अब वो लोग जबरदस्ती हम लोग के साथ जबरदस्ती करके वो घर को पूरा हड़पना चाह रहे हैं। प्रशासन, थाना, सबको ये कि कोई हम लोग साथ नहीं दे रहा। DC ऑफिस गए, JNC गए, सब जगह गए, कोई SD ऑफिस भी गए, सबको लेटर भी दी, 1 साल से ज़्यादा हो गया लेकिन कोई अभी इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। सिर्फ कभी लेख मतलब लिखने में और कभी लिख के न्यूज़पेपर में छाप देते हैं, बस काम खत्म हो जाता है, लेकिन कोई कुछ काम नहीं। किनसे मिलने आए आप?
हम अभी एडीसी से गणेश कुमार से मिलने आए तो उनसे हम बहुत बार मिल चुके हैं, जेनेसी द्विवेदी जी से भी मिल चुके हैं, बोलते कि एक साल हो गया ना और एक साल लगेगा। थाना गए थे, थाना भी गए थे, वो लोग पैसा भी मांगते हैं, ये भी करते हैं, बोलते हैं लाख रुपया दो ये दो। अब हम लोग गरीब आदमी थोड़ी ना इतना दे सकते हैं, इतना में नहीं दे पाएंगे। और स्वर्ण व्यवसायी संतोष कुमार वर्मा के हथियारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर विश्वकर्मा एकीकरण अभियान के बैनर तले उपायुक्त और एसएसपी को ज्ञापन सौंपा गया। मानगो के स्वर्ण व्यवसायी संतोष कुमार वर्मा के हथियारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर विश्वकर्मा एकीकरण अभियान ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। संजय शर्मा ने कहा कि अभी तक पुलिस के हथियारों तक पहुँचने में सफलता नहीं मिली है, इसे व्यापारी वर्ग काफी भयाक्रांत है। संतोष वर्मा अलंकार ज्वेलर्स के मालिक की जो हत्या हुई थी, उस विषय में डीसी साहब और एसएसपी साहब से मिलने आए हैं कि कई दिन इस घटना का बीत जाने के बावजूद अभी तक हत्यारे का गिरफ्तारी नहीं हो पाया है और इस हत्या से समाज में बड़ा ही दहशत का माहौल है और शहर के स्वर्ण व्यवसायी बहुत ही भयाक्रांत है। तो हम लोग साहब से मिलकर के ये आग्रह करेंगे कि जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी किया जाए, जिससे कि कानून व्यवस्था पे आदमी का आस्था, इस समाज का आस्था बरकरार हो। दूसरी ओर झारखंड विकलांग संस्थान ने सोमवार को उपायुक्त को ज्ञापन सौंप कर विश्व विकलांग दिवस के आयोजन की मांग की है। झारखंड विकलांग संस्थान के सचिव दीपक कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि हर वर्ष विश्व विकलांग दिवस का आयोजन होता आया है, पर इस बार कोई सुगबुगाहट तक नहीं है। उन्होंने उपायुक्त से विकलांग दिवस मनाने का आग्रह किया है कि हर साल जिला प्रशासन समाज कल्याण विभाग के द्वारा जो है ना 3 दिसंबर विश्व विकलांग दिवस मनाया जाता था, लेकिन इस साल जो है समाज कल्याण पदाधिकारी के द्वारा उदासीनता के कारण जो है इस साल विश्व विकलांग दिवस नहीं मनाया जा रहा, जिससे कि जिला के कम से कम नहीं भी तो 40-45 हज़ार विकलांग वंचित हो गए हैं, जो कि मतलब उनको किसी न किसी तरह का अगर खेलकूद होता था, कुछ भी ड्राइंग कंपटीशन होता तो उनको प्रोत्साहित किया जाता था, लेकिन इस साल जो है जो कि झारखंड सरकार के द्वारा 2.5 लाख रुपया फंड दिया गया विकलांग कर्मशाला के लिए, लेकिन जो है वो खर्चा नहीं किया गया, इसीलिए हम लोग डीसी साहब के पास आए थे मिलने के लिए कि डीसी साहब आप भी कुछ कीजिए, हम लोग उसमें डेट भी दिया कि 5-6 दिसंबर को भी कम से कम विकलांग दिवस मना लीजिए। तो डीसी साहब ने साफ कहा कि नहीं, ये प्रोग्राम जो है ऑप्शनल है, ये कोई आपका आदेश नहीं है, आदेश नहीं है, लेकिन 2008 में जब नितिन भाई कुलकर्णी डीसी थे उस समय एक पत्रिका निकला था, उसमें साफ लिखा हुआ है कि विकलांग कर्मशाला के मद में झारखंड सरकार से इतना पैसा मिलता है। अब विकलांग कर्मशाला का मतलब होता है कि खेल कूद ड्राइंग कंपटीशन किसी तरह का विकलांग को प्रोत्साहित किया जाए। उपायुक्त कार्यालय में पारा शिक्षकों की बहाली के लिए सोमवार को फॉर्म वितरण किया गया। झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ का कहना है कि राज्य में 60,000 से ज्यादा शिक्षकों की आवश्यकता है, पर फिलहाल मात्र 30-35 हज़ार शिक्षक ही पढ़ा रहे हैं। सरकार यदि जल्द से जल्द बहाली नहीं करती है तो संघ आंदोलन को बाध्य होगा। टीचर्स का भी जो जमशेदपुर में निकला है उसके रिगार्डिंग ये पूछने के लिए मैं आई हूं, मैं इन्फॉर्मेशन निकाल कर जा रही हूं, क्या क्या सर्टिफिकेट चाहिए, क्या क्या जमा करना है, उसी के लिए यहाँ पे आए। ये तो बोल नहीं सकते भरने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि इतने सारे लोग दे रहे हैं, आप क्या सिलेक्शन प्रोसीजर है इनका, इसके बारे में मुझे। किस चीज के लिए भर रहे हैं आप? अभी जो नॉन उर्दू के लिए, इसके लिए सोच रहे, लेकिन यहाँ पे टेट जरूरी है, तो वही हम पूछ रहे थे कि टेट के एग्जाम के रिगार्डिंग कि ये बीएड या टेट, वहाँ पे लिखा हुआ है कि टेट के लिए। झारखंड में 60,000 स्वीकृत पद का विरुद्ध में मात्र 30 से 35 हज़ार शिक्षक कार्यरत है। इतना कम शिक्षक में विद्यालय का शिक्षण व्यवस्था ठीक संभव नहीं है। अगर ये बहाली हो जाती है, सरकार का मंशा अगर बहाली करने का है तो बहाली करेंगे, तो शिक्षण व्यवस्था दुरुस्त होने का आशा हम लोग कर रहे हैं। ये तो लग रहा है कि बहाली हो सकता है और सरकार का जो स्थिति है, मंत्री लोग अधिकारी लोग अब किस समय किस करवट पलटेंगे बोलना मुश्किल। दिव्य मिस इंग्लिश स्कूल में 3 से 6 दिसंबर तक नाटक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। इसका उद्देश्य है बच्चों की प्रतिभाओं को सामने लाना। दिव्य मिस इंग्लिश स्कूल में 3 से 6 दिसंबर तक नाटक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। इस नाट्य महोत्सव में बच्चे नाटक प्रस्तुत करेंगे। स्कूल के प्रिंसिपल रजनी शेखर ने बताया कि इंग्लिश स्कूल कैरियर एकेडमी, डिव्यमेंस लिलीपुट और डिव्यमेंस गर्ल्स स्कूल के बच्चे नाटक पेश करेंगे। दिसंबर से 6 दिसंबर ये हमारे डिव्यमेंस इंग्लिश स्कूल के परिसर में ही ये नाटक मंचित किए जाएंगे और 3 दिनों में 5 नाटक किए जाएंगे। 4 तारीख को शाम के 6 बजे से आरम्भ होगी
जिसमें इंग्लिश स्कूल की पहली ड्रामा होगी जिसका नाम है खोखो। उसके बाद डीबीएमएस कैरियर एकेडमी की ड्रामा होगी बेटी नहीं तो बहू कहाँ से लाओगे, और 5 तारीख को फिर शाम के 6 बजे से ही 2 प्लेट की मंचन होगी डीबीएमएस कदमा हाई की अधिकार के रक्षक और डीबीएमएस लिलीपुट स्कूल के भटकन, ये प्लेस होंगे। और लास्ट डे दैट इज 6 दिसंबर को डीबीएमएस गर्ल्स हाई स्कूल की एक प्रस्तुति होगी एक और द्रोणाचार्य। केबल कंपनी के पास गत दिनों मनीष कुमार नामक युवक की हत्या कर दी गई थी। सोमवार को सोनिया गांधी प्रचार दल ने हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग एसएसपी से की है। उनका नेतृत्व कर रहे किशन खन्ना ने कहा कि हत्यारे खुलेआम घूम रहे हैं। उन्होंने कहा कि सिर्फ एक ही गिरफ्तारी हुई थी और वो भी जमानत पर रिहा हो चुका है। मनीष कुमार की हत्या केबल कंपनी डायरेक्टर बंगला के सामने करके फेंक दी गई थी और आज लगभग 6 महीने बीत जाने के बाद भी हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसमें गोलमरी पुलिस क्या कर रही है ये हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है। आज हम लोग वरीय पुलिस अधीक्षक से मिलकर उनके परिवारजनों के साथ में फिर से अखिल भारतीय सोनिया गांधी प्रचार दल की ओर से मांग करेंगे, अगर 10 दिन के अंदर हत्यारों को गिरफ्तार नहीं किया जाता, इनके परिवारजनों को इंसाफ नहीं मिलता है, तो आने वाले 10 दिनों के बाद हम लोग गोलमरी थाना में आमरण अनशन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे जब तक कातिल गिरफ्तार नहीं होते। डीबीएमएस इंग्लिश स्कूल में सोमवार को महिला सशक्तिकरण पर एक वर्कशॉप सा प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य के साथ आयोजित इस कार्यशाला सा प्रदर्शनी में इंदिरा गांधी, बेनजीर भुट्टो, मार्गरेट थैचर आदि महिलाओं की जीवनी पर कोलाज भी तैयार किए गए, जिन्हें बच्चों से बताया गया कि महिलाएं समाज, राज्य और देश के लिए कितना महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। इंदिरा गांधी, बेनजीर भुट्टो और मार्गरेट थैचर के लाइफ के, उनके जिंदगी के पूरे राइट फ्रॉम द बिगिनिंग से लेकर जो जो अचीव किए हैं, जो जो हासिल किए हैं, उसके बारे में उन्होंने प्रोजेक्ट बनाया है, कोलाज बनाया है, रोल प्ले दिखाने वाले हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन सब बच्चों के द्वारा, ये हमारे ISC प्रोजेक्ट के अंदर में आता है। और परमहंस गोपीनाथ गोस्वामी समिति द्वारा 7 व 8 दिसंबर को रक्तदान शिविर व बाल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। परमहंस लक्ष्मीनाथ गोस्वामी समिति हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी वार्षिकोत्सव के अवसर पर 7 व 8 दिसंबर को क्रमशः रक्तदान शिविर व बाल प्रतियोगिता का आयोजन करेगा। इसमें बच्चों के लिए चित्रांगन, भाषण समेत अन्य स्पर्धाएं होंगी। उक्त जानकारी समिति के अध्यक्ष सरोज कुमार मिश्रा ने दी। 7 और 8 दिसंबर को मनाने जा रहे हैं। इस स्मृति पर्व के अवसर पर हम लोग रक्तदान शिविर का आयोजन करवाए हैं, साथ ही साथ बच्चों का प्रतियोगिता जिसमें भाषण, चित्रांकन, लेखन, मेहंदी के लड़कियों के लिए ये सब कराया गया है। इसके साथ ही साथ मिथिला के जितने भी पर्व होते हैं वो सभी इस बीच में मनाया गया है। और यूनाइटेड क्लब में आयोजित अंतर क्लब टेनिस चैंपियनशिप में कोलकाता की टीम ने पटना को फाइनल में हराकर खिताब पर कब्जा जमाया। यूनाइटेड क्लब द्वारा पहली बार इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। प्रतियोगिता में कोलकाता, पटना, धनबाद, बेल्डी क्लब, यूनाइटेड क्लब और ट्यूब मेकर्स क्लब की टीमों ने भाग लिया। कोलकाता की टीम ने फाइनल में पटना को एक तरफे मुकाबले में 7-0 से हरा कर खिताब जीत लिया। कलकत्ता की टीम थी, पटना की टीम थी, धनबाद की टीम थी, बेल्डी क्लब थी, फिर ट्यूब मेकर्स क्लब थी और 3 टीमें यूनाइटेड क्लब की थी। कलकत्ता की टीम ने न्यू पटना टीम क्लब को हरा करके 7-0 से हरा करके विनर हुई है। ये हमारा पहला प्रयास था यूनाइटेड क्लब का कि इतने दिनों के बाद इस तरह के इस लेवल पे मैच को ऑर्गेनाइज किया जाए।